हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छा ही होगे। हमारे चैनल ट्रू रास्ता में आपका स्वागत है। मैं सैयद सदाम आपके साथ आया हूँ फिर एक जानकारी के साथ। एक जो है वैकेंसी निकाली गई है BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, जो कि सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक और जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। तो इसमें जो है कब से कब तक का इसका डेट है, यानी आवेदन की तिथि क्या है, लास्ट डेट कब तक है, कुल पद कितने होंगे, परीक्षा शुल्क क्या होगा और एज क्राइटेरिया जो आपका क्या होगा, यानी कितना उम्र आपका होना चाहिए कैंडिडेट का, साथ ही साथ क्वालिफाइंग मार्क क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पे पूरा डिटेल आज हम बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने चैनल मुख्य रूप से गैस संबंधी जानकारी साथ ही साथ ऑनलाइन टेक अपडेट वीडियोज़ में लगातार बनाता रहता हूँ। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पर और पूरा डिटेल जानते हैं। साथ ही साथ हमें भी बोलेंगे कि इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करके पूरा डिटेल आप कैसे जानेंगे, वो भी हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप। हाँ फ्रेंड, तो हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और नोटिफिकेशन के द्वारा विज्ञापन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा डिटेल आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि आवेदन की तिथि की जानकारी होगी, साथ ही साथ कुल पद कितने बताए गए हैं, परीक्षा शुल्क क्या लगेगा और एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इन विषय पर आज हम बात करेंगे। और पूरा डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से भी घर बैठे आप जो है पूरा जानकारी ले सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी जो आपका जो ये वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल का है और इसमें जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में स्नातक स्तरीय पदों की रिक्तियों आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएँ आयोग कार्यालय से प्राप्त हुई हैं। अधियाचनानुसार तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपेण है। इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवेदन की तिथि क्या होगी, तो आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि 14/4/2022 होगी और आवेदन की अंतिम तिथि होगी, यानी इसका जो लास्ट ऑनलाइन का जो डेट होगा वो 17/5 यानी 17 मई 2022 होगी। ये तो आपकी आवेदन की तिथि की हम बात किए। और साथ ही साथ जो ये BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है और इसमें जो है कुल पद की अगर हम बात करें तो कुल पद इसमें आप यहां पे देख सकते हैं 2187 कुल पद है और किसके लिए कितना पद है सारा डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगा सचिवालय सहायक के लिए। और यहां पे योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षण, डाटा एंट्री ऑपरेटर और साथ ही साथ यहां पे जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किन के लिए कितने पद जो यहाँ पे हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। पूरा डिटेल हम यहाँ पे बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सिर्फ पॉइंट पॉइंट की बात करेंगे। तो आवेदन की तिथि की मैंने जानकारी दी 14/4/2022 से 17/5/2022 और कुल पद की अगर बात करें तो 2187 जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो किसे कितना शुल्क देना होगा, चलिए वो जानते हैं किस कैटेगरी वालों को कितना शुल्क देना होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को ₹540, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए ₹135, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के सामान के लिए ₹135, सभी श्रेणी की महिलाएँ सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए ₹135, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला हेतु ₹540, जो कि आपको परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पे देना है। अब साथ ही हम उम्र की बात करें, एज क्राइटेरिया की बात करें तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 21 से 37, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 21 से 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 21 से 40, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 21 से 42। न्यूनतम सीमा जो है आयु की जो 21 है और ये आपका लास्ट हो गया, जैसे 37 वर्ष अनारक्षित, 40 वर्ष पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42। तो ये आपका जो है
एज क्राइटेरिया हो गया, इतना एज के अंदर जो है इन जाति से बिलोंग करते हैं तो इतनी वर्ष आपका एज होना चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो वो डिटेल हम जानते हैं वीडियो, चलिए वो जान लेते हैं कि जो है क्वालिफाइंग जो है मार्क्स क्या होगा। टोटल 8 पेज में है, यानी 8 पेज में है, आप पूरा डिटेल आप इसमें जो है समझ सकते हैं। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो कि निम्नांतिक है। सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्गों के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32%, इतना जो है आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यहाँ पे फिर एक बार बता दें, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 14/4/2022 है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17/5/2022 है। बाकी डिटेल पूरा आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप इसको बड़े आराम से आप इसको पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं, जो कि 1 से 8 पेज का होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपका ऑफिशियल पेज में जाना है bssc.bihar.gov.in। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एट फर्स्ट मिल जाएगा 4th नंबर पे सूचना पट, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 6/4/2022 क्लिक हियर टू व्यू, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिटेलेड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वही PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा जो मैंने पहले से किया हुआ है, और सारा डिटेल आप 8 पेज का होगा PDF में आप पढ़ सकते हैं कि पूरे जानकारी आप विस्तृत ले सकते हैं कि किन लोगों के लिए कितना पद है और जो है इसमें जो है और के आगे परीक्षा का शुल्क क्या होगा, पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप यहां पे आप खुद से समझ सकते हैं। पूरा डिटेल बताना जो है संभव नहीं था, इसलिए कि बहुत जो है वीडियो लंबा हो जाता, तो यहाँ पर डाउनलोड करके अभी डाउनलोड हो रहा है और पूरा डिटेल आप खुद से जो है PDF में यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी हमारे चैनल में, अगर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।